हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सुबह का बज चुका है 7 और हम आ चुके हैं खेत पर, क्योंकि खेत पर हमें भैंसों का काम करना था। और आज रात को बारिश बहुत 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 आई। हमारे गांव के जो कुछ तालाब थे वो सब पानी से भर चुका है और हमारे खेत में भी पानी भर चुका है, तो उसको अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल हम भैंसों का काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमारे पीछे जो हमारा खेत था वो पूरा भरा हुआ है और हमारी भैंसों का काम, भैंसों धोने का, गोबर उठाने का काम फिलहाल करने वाले हैं। और बाद में हम आपको मेरा पूरा खेत दिखाऊंगा, जहाँ पानी भरा हुआ है, हमारे गांव के जो तालाब वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो पहले चलो करते हैं भैंसों का काम। तो देखिए गाइस, ये हमारी भैंसों पूरी रात इधर थी, तो उसको बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पूरा गोबर उठाना है अभी, और बाद में ये भैंसों को हमने बाहर ले लिया। देखो, ये भी हमारा भर चुका है और यहाँ पे पूरा इस तरीके से हमारे खेत का माहौल अभी बना हुआ। तो चलो पहले भैंसों का जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और बाद में जाएंगे तालाब देखने के लिए और हमारे खेत देखने के लिए। तो गाइस, हमारी भैंसों धोने का, दूध निकालने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो पहले इस भैंस का दूध निकालेंगे। तो गाइस, जब बज चुका है सुबह का 9:30 और हमारा भैंसों का काम पूरा हो चुका है और दूध निकालने का काम पूरा हो चुका है, भैंसों का काम पूरा हो चुका है। और फिलहाल ट्रैक्टर से थोड़ा काम है तो ट्रैक्टर का काम निपटा लेते हैं। भैया चला रहा है ट्रैक्टर, तो चलो देखते हैं किस तरह से वो काम करता है ट्रैक्टर से। तो गाइज, हम ट्रैक्टर चला रहे थे तो ट्रैक्टर में दिक्कत आ गई, क्योंकि जो भी गीली जगह होती है जिसके कारण हमारा ट्रैक्टर फंस गया था। तो हमने मंगवाया है जीसीबी वाले को बुलाया कि हमारा ट्रैक्टर, क्योंकि क्या है कि साइड में खाई है तो वहाँ खड्डा है, तो खड्डे में गिरने का थोड़ा प्रॉब्लम था कि शायद गिर जाता। तो जीसीबी वाले को बुला लिया और अब निकालेंगे उसको बाहर। तो देखिए गाइस, जिस तरह से यहाँ पे खड्डा था और ये हमारा ट्रैक्टर हमारा स्लिप हो चुका था। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से बाहर निकाले उसको। तो भैया बांध रहा है अभी उसको, और यहाँ पर हमने बांध दिया है और यहाँ बांधेंगे और बाद में जीसीबी पीछे चलेगा और हमारा ट्रैक्टर को हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खड्डा था तो ट्रैक्टर शायद गिर जाता। तो ट्रैक्टर पलटी मार जाता, इसलिए हमने जीसीबी को बुला लिया, संधु भाई को। तो चलो अब उसको करवाते हैं ताकत। रुक जा, चलो उठा। अरे यार, हो गया। बस बस, तो हमारा ट्रैक्टर फाइनली निकल चुका है। अच्छा हुआ जीसीबी वाला मिल गया टाइम पर, वरना। चलो उठा। तो अब जीसीबी वाला जा रहा है और ट्रैक्टर भी हमारा सलामत निकल चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए, यहाँ पे ये खड्डा था, उसमें
तो पलटी मार जा चुके हैं। जमीन क्या है कि जमीन थोड़ा गीला है तो कैसा प्रॉब्लम आ जाता था। देखिए 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 जो टायर स्लिप हो जाते हैं ना तो ये प्रॉब्लम। देखिए जो टायर स्लिप हो रहा है अब देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से वो टायर स्लिप हो जाता है जिसके कारण इस खड्डे में गिर जाता है ट्रैक्टर हमारा। तो अब नहीं गिरेगा क्योंकि हमने निकाल लिया अब, और यहाँ पर जाने का साहस भी नहीं करेंगे। ओ भैया तो चलो मशीन से ही काम करवा लेते, उसका टायर भी स्लिप हो रहा है। देखिए देखिए जीसीबी का टायर जिस तरह से स्लिप हो रहा है, इस तरह से हमारा ट्रैक्टर का टायर स्लिप हो रहा था। ओ सिंधु भाई आने, एक हम इसको आगे ले लो, आप ख्याल रखना वहां पर। तो गाइस इस तरह से हमारा काम आज प्रॉब्लम में आ चुका था, लेकिन टाइम पर ये जेसीबी वाला आ गया उसको बुलाने पे और हमारा काम अच्छी तरीके से सही में हो चुका है। वरना प्रॉब्लम आ जाती थी तो देखो उसका मशीन भी फंस रहा है, इधर जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर फंसा था ना वहीं पे मशीन भी फंस रहा है, वो भी स्लिप हो रहा है। और मशीन भी खड्डे में जा चुका है, लेकिन क्या है जो ट्रैक्टर नहीं कर सकता वो ये मशीन कर सकता है, जो उसको उठा कर वो ले रहा है। देखिए उसका मशीन भी यहाँ पे फंस चुका, लेकिन उसने तो ये मशीन वाला ये काम कर सकता है, ट्रैक्टर वाला नहीं कर सकता। देखो वो स्लिप मार रहा है, मशीन भी स्लिप हो रहा है। हो गया हमारा काम। तो दोस्तों हमारा काम फाइनली सही में अच्छी तरीके से हो चुका है और चलते दूसरे काम पर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन मशीन वाला आ गया और हमारा काम सही में अच्छी तरीके से हो चुका है। और अब मशीन वाला जा रहा है वापस। तो दोस्तों आपने देखा हम किस तरह से हमारा ट्रैक्टर फंस चुका था और ये मशीन भी किस तरह से आई और हमारा काम आसान कर दिया। तो चलो अब चलते हैं दूसरे काम पर। तो गाइस जा चुके हैं घर पर, नहा लिया और खाना खा लिया और अभी बज रहे 3। तो दोस्तों आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं था क्योंकि खेत पर थे, तो बिना पूजा के तो हम नहीं खाते, इसलिए खाया नहीं था। और नन्नू और येतु दोनों आ चुके स्कूल से, तो ये तो हम अपना होमवर्क कर रही है और नन्नू फिलहाल अभी खेल रही है। देखिए तो ये कुछ भैया लाया है अलग से, तो ये क्या है उसको कुछ तिजोरी जैसा लग रहा है, वो आया था। हाँ तो ध्रुव भाई बोल रहे हैं कि अपना वीडियो बनाओ, लेकिन वो फिलहाल ना कर अभी अभी आया है तो उसने कपड़े नहीं पहने तो उसका वीडियो नहीं लेंगे, वरना दिक्कत आ सकती है। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय। आप नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय दोस्तों।